अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जिस टॉपिक के में बात करने वाले हैं वो है फिटेड बॉक्स। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिव लेआउट के हवाले से सीरीज चल रही है, तो ये उसी का पार्ट है कि हम किस तरह से एक स्पेसिफिक हाइट या विथ के कंटेनर या एक स्पेसिफिक विजिट के अंदर अपने टैग्स को, अपने किसी भी जो है ना वो लिस्ट ऑफ विजिट्स को हम एडजस्ट करवा सकते हैं और फिट करवा सकते हैं कि वो ओवरफ्लो भी ना हो, वो कट भी ना हो। तो चले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने ली हुई है यहाँ पे कि एक मैंने 200 हाइट और 200 विथ का एक कंटेनर बनाया हुआ है और उसके अंदर एक टैक्स लिखा हुआ है जिस टैक्स का साइज लार्ज है, जो कि 80 है। और आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे टैक्स लिखा है लार्ज साइज टैक्स, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ लार्ज लिखा हुआ आ रहा है, पूरा टैक्स लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं? मैं हमारे इस टैक्स को रैप करूंगा एक विजिट के अंदर जिसका नाम है फिटेड बॉक्स। अब जैसे ही मैंने इसको फिटेड बॉक्स के अंदर रैप किया और मैं कंट्रोल एस करता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा लार्ज साइज टैक्स यहां पे एडजस्ट हो गया और इसमें कोई परेशानी भी नहीं हुई। अब देखते हैं इसके अंदर फिटेड बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके फिट नाम की, जो कि इसकी फिटिंग के अंदर हमें हेल्प करता है कि हमें किस तरह से इसको फिट करना है। आप लोगों ने ये फिट की प्रॉपर्टी मे बी इमेजेस के अंदर भी इस्तेमाल की हुई होगी, डेकोरेशन इमेज या इमेज एसेट वगैरह के अंदर सेम उसी पैटर्न के ऊपर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पर इसको कवर या फिल कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही फिल किया, इस पर आपको खासा फ़र्क ये नज़र आया कि इसने हाइट वाइज, पहले तो विथ वाइज तो वाइज ऑलरेडी फिल्ड था, तो ये हाइट वाइज भी इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया और इसने स्ट्रेच कर दिया टैक्स को। अब अगर मैं इसको डॉट कवर करता हूँ तो कवर के अंदर आप देखेंगे ये बिल्कुल एक कवर के तौर पे, ये आप देख सकते हैं साइज का ई ये बाहर निकला हुआ है, यानी एज अ कवर जो है वो बिहेव करवाएगा। और अगर मैं इसको कंटेन करता हूँ तो आप कंटेन में तो जैसे पहले था हमारा कि वो जो है वो कम्प्लीटली इसको एडजस्ट करवा देगा। सेम इसी तरह से आप फिट हाइट या फिट विथ को भी ले सकते हैं। फिट हाइट के अंदर भी वो बाहर चला जाएगा क्योंकि वो हाइट को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिट विथ का आपका आउटपुट कंटेन की तरह ही नज़र आएगा क्योंकि उस वो विथ को टोटली कंटेन कर रहा होगा। तो इस तरह से हम फिटेड बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल टैक्स की थी, इसको हम चलें थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम एक मैं फिटेड बॉक्स को मिटा देता हूँ और इस टैक्स को कॉपी करके मैं एक रॉ ले लेता हूँ। एक रॉ के अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड्स रखते हैं और मैं ये जो टैग्स है इसको 2 times यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो का एरर आ गया क्योंकि हमारे रॉ के अंदर टैग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है जबकि कंटेनर की विथ बहुत छोटी है। अब मैं अगर इस रॉ को भी फिटेड बॉक्स के अंदर एडजस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो रिजॉल्व हो जाएगा और वो आपके इजीली आपके जो कंटेनर है उसकी विथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ओवरफ्लो के इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं फिटेड बॉक्स, यानी आप लिस्ट ऑफ विजिट्स को भी फिट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक विथ और हाइट के अंदर और आप एक सिंगल विजिट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।